जाता है तो आप भी देख सकते हैं। सर आप अगर अपना तारुफ करवा दें तो जी। रहमान मैम जी, मेरा नाम अहमद खमार है और मैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंजीनियर में गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ। एज अ गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा हूँ, प्रेजेंटली एज ए चीफ इंजीनियरिंग एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एंड चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इस वक्त पानी के सरबरा आप हैं? पानी के सरबरा इस सेंस में आप कह सकते हैं कि मेरे पास एडवाइजरी सर्विसेज के लिए वट एवर जो मेरी टेक्निकल राय होती है टूवर्ड्स डैम, टूवर्ड्स कैनाल, किसी जगह पर पानी की शॉर्टेज है, पानी के मिसाइल में इनकी प्रोविंशियल डिसहार्मनी है, उसके लिए मैं अपना एक रोल देने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा नेशनल लेवल के ऊपर जो हाइड्रोमेट्रोलॉजी हमारी है कंट्री की, मौसमियाती हालात और सैलाब की सिचुएशन, उसमें नेचुरल डिज़ास्टर में वाटर से रिलेटेड डिज़ास्टर्स को हम किस हद तक मिटिगेट कर सकते हैं और लोगों की तकलीफों को कम कर सकते हैं, ये मेरा शोभा है। अच्छा, मेरी एक हमारे चीफ सेक्रेटरी होते थे सिंध के, उनका नाम है शहजादो शेख साहब, वो उनका ख्याल था या उनकी राय थी कि अगर हम अपनी जो कैनाल्स का सिस्टम है उसको सही तरह से, ये जो उससे जो पानी ज़ाया हो रहा है और जो दरिया फैल गया उसको छोटा कर दें तो उससे मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपके ख्याल में इसके बारे में शेयर करता हूँ कि इस वक्त मेन इशू ये है कि हमारे कैनाल्स में से सीपेज की मद में बहुत सारा पानी ज़ाया होता है और हमारा जो कन्वेयर सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, कन्वेयर सिस्टम है, दूसरे लफ्जों में कहने का जो पानी को देने का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसमें पिल्फरेज होती है, उसमें चोरी होती है, उसमें थेफ्ट होती है। और फिर जो अपर रिपेरियन है, लेट्स से कि अपर रिपेरियन अगर पंजाब है और लोअर रिपेरियन अगर सिंध है, तो उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसने मुझे कितना पानी मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दिया। तो हमारे पास इस दरियाई निज़ाम में वाटर अकाउंटिंग के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि मैं एक एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकूं कि मेरे पास वाकई इस वक्त पानी के 100 ग्लास हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ जी। सो इफ़ वी नीड टू हैव अ गुड वाटर अकाउंटिंग हमारे पास होती है तो वी विल बी एबल टू बेहतरीन तरीके से सूबाई डिसहार्मनी को हार्मनी में थ्रू इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हम मीट विद कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे जो छोटे एरियाज हैं, छोटे एरियाज हमारे सारे अच्छे एरियाज हैं, बलोचिस्तान में जो छोटे दरिया हैं उन दरियाओं के ऊपर कोई पानी नापने का निज़ाम नहीं, बस नीचे हो प्रायरिटी, मेरी प्रायरिटीज कुछ और हो, ठीक है जी, या पानी ही मेरी प्रायरिटी में बहुत नीचे हो। लेट मी शेयर, आई एम वेरी ब्लंट इन टॉकिंग ऑन दिस इशूज, वो ये कि आज से मैं समझता हूँ 4-6-8 महीने थोड़ा आगे आ जाए, 4-6-8 महीने पहले वाटर वॉज नॉट अवर प्रायरिटी, वाटर वॉज नॉट अवर प्रायरिटी। प्रायरिटी किस लिए बना, जैसे ये पिछले साल और रदर इस साल ही हमें 45-50% वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ा और इससे सबसे मेजर चीज़ हमें ये महसूस हुई कि आपका रावी और आपका सतलुज तो ऑलमोस्ट बंद हो गया ऊपर से जो ट्रांस बॉर्डर है, एंड देन दूसरा जी जी दूसरा जो आपका दरियाए चनाब है, दरियाए चनाब में भी जहाँ पे 60-65 हज़ार क्यूसिक पानी आता था अब 8-10-15 हज़ार क्यूसिक पानी आता है, वो भी ऊपर से रुका हुआ है। सो ओनली रिवर लेफ्ट विथ यू इज रिवर इंडस, ठीक है जी, और रिवर इंडस में भी इश्यूज हैं, अगर आपकी मौसमियाती सिचुएशन कम है, आपका मानसून सिस्टम लेट से कि आता है रिकर्व होकर चाइना साइड पर चला जाता है, बांग्लादेश पर चला जाता है, तो आपकी मानसून ख़त्म हो जाती है। इस साल हमारी मानसून वर्चुअली थी नहीं, माइनस में गए हैं हम रेनफॉल लेने के कॉन्टेक्स्ट में। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें मिटिगेशन के साथ साथ अडेप्टेशन की तरफ हर सूरत में जाना होगा। एक तो ये कि हमें देखना कि हमारी ज़रूरियात क्या है, हम 92-95% पानी खाली एग्रीकल्चर को दे रहे हैं, चाइना इस वक्त दे रहा है 62-63%। मैं अपनी बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस या इरीगेशन प्रैक्टिसेस क्यों नहीं यूज़ करता, क्यों नहीं करते ऐसे? मैं इसलिए नहीं करता कि मेरा मैंने अपने किसान को वो चीज़ें नहीं दी, मैंने किसान की सोच को इतना ऊपर नहीं किया, मैंने वो वाले मैकेनिज्म जो मुझे वक्त के साथ साथ करने थे नहीं किए। मुझे ये बताइए कि रीजनल सतह पर पाकिस्तानी सरकार अब कौन करेगा जी, वो करेगा कौन? हमें करने की ज़रूरत है, हमें करना है, यहाँ तो कोई करने को तैयार नहीं, नहीं हमें करना है, आप करेंगे। मुझे इसके ऊपर इसलिए कॉन्फिडेंस है कि मैंने जैसे भी आपको बताया कि बीइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल मैं इसकी यहाँ पे आके बैठा, ठीक है,
इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव कि मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ और मैं खुले उसके अंदर बात कर रहा हूँ. आई यूज टू टॉक लाइक दिस, करता रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से, बट नॉट इज़ ए टाइम. और वो आवाज़ थोड़ी सी ऊपर जा भी रही है. इसी तरीके से एक और इशू पर बात करूँ, हमारा जो ट्रांस बॉर्डर वाटर इशू है, मुझे कह रहे थे कि हमने उसको ब्रूटली हमने उसको ज़िबा किया. जो बिटवीन द टू कंट्रीज पानी की डिस्ट्रीब्यूशन और पानी के मामला के ऊपर एक दूसरे के साथ जिस तरीके से हमें चलना चाहिए, हमें नहीं चलना, हमने सारे अपने स्टेक्स दे दिए. मैं आजकल ये प्रोफेस कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स, हमें ट्रांस बॉर्डर वाटर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है. ट्रांस बॉर्डर वाटर ऑर्गेनाइजेशन में आप इंडिया के साथ जो पानी के मामला थे उसको सेपरेटली देखें. वन पॉइंट टू, अफगानिस्तान भी अब बीच में है, ईरान भी बीच में है, चाइना भी है. रीजनल लेवल के पर आपको पानी के इशू पे अगर आपने अपनी आवाज़ बनानी है, यू नीड ए बिगर फोरम. और आपको 2-3 टेक्निकल लोगों से इस इशू को लड़ाई नहीं आप कर सकते. यू नीड टू हैव ए टीम ऑफ 10, 15, 20, 30, 40, 100, 200 पीपल. प्रोफेशनल्स भी उसमें होंगे, आपको उसमें यूनिवर्सिटी के लोगों को भी शामिल करना होगा, कम्युनिटी को भी शामिल करना होगा, पॉलिटिकल विल को ऐड करना होगा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उसका हिस्सा बनाना होगा. अखबारों में आपके पास लिखने वाले लोग नहीं हैं जो बताएं कि मेरे ये स्टेक हैं, ये पाकिस्तान के रीजनल स्टेक हैं. वी आर नॉट टॉकिंग ऑन इट. हम इसकी ज़रूरत है. हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फड्डा कर लेते हैं. दैट इज़ अवर, कह लीजिए कि ये हमारी अफसोस की सिचुएशन है. एंड देन वुड यू लाइक टू हियर, 2004-2005 में हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उस पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारी जो वाटर की एलोकेशन थी, दैट वाज अबाउट 17-18%. यानी हर 100 रुपये में से हमें 17-18 रुपये पानी के लिए रखे थे. लास्ट ईयर 2017 जून से लेकर 2017 से लेकर जून 2018 तक 3.7%. तो यू कैन वेल इमेजिन कि पानी की 18% से लेके आप 2005 में थे और 17-18 में आप सिर्फ 3.7% पानी आपने हर 100 रुपये में से पानी के लिए रखा है. और आप बात कर रहे हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट और ये सारा कुछ पास में कर रहे थे. इस वक्त जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम उनको इस हिसाब से पैसे दें तो वो प्रोजेक्ट्स अगर जल्दी भी ख़त्म होते हैं तो 14 साल में, और देर से ख़त्म होंगे तो 32 साल में ख़त्म होंगे. तो अब नए प्रोजेक्ट की क्या बात कर रहे हैं. यू नीड टू हैव ए वेरी, मैं कहता हूँ कि वॉर फुटिंग के ऊपर आपको टीम चाहिए. आपको वो बंदा नहीं चाहिए, आपको वो बंदा नहीं चाहिए जो कह के मेरी गाड़ी, उसका पेट्रोल, मेरे कमरे में ये चीज़, मेरा नाइफ का सिर. यू नीड ए फोर्स, यू नीड समवन जो कि लीड कर सके. आपने वो सुना होगा अशफाक अहमद खान साहब का, टेलीविज़न में उनका एक प्रोग्राम आता था ज़ादिया के नाम से. उन्होंने कहा कि मैं बाहर से पढ़ के आया, मैंने और इब्ने इंसान ने कराची में एक जरीदा शुरू की 15 रोज़ा. कहते जी उस जरीदे में एक बच्ची ने लेटर लिखा कि अंकल मैं 10वीं जमात की स्टूडेंट हूँ, और टीचर ने आज सवाल किया कि साहब इल्म किसे कहते हैं. कहते हम बड़े परेशान हुए, हमने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का लिखा, बाहर भी लिखा, कहते जहाँ से भी जवाब आया पसंद नहीं, बात ख़त्म हो. अच्छा, ये उन्होंने वाकया अपनी किताब है सफ़र दर सफ़र, उसमें भी उन्होंने ये लिखा है. उन्होंने कहा कि जी हम नॉर्दर्न एरिया के सफ़र पर गए, तो हम सवाद के करीब थे, तो किसी ने कहा यहाँ पे एक बाबा जी बैठे होते हैं, तो उनसे जरूर मिल के जाए. अरे हम बाबा जी के पास चले कि जैसे हमने ये महफिल लगाई हुई है, आप समझ लें कि इस वक्त आप बाबा जी हैं. कहते हम देख रहे थे लोगों का स्टाइल के वो 10-15 मिनट बैठते थे, उसके बाद फिर बाबा जी के साथ उठ के चले जाते थे, 5 पैसे या 10 पैसे का सिक्का रखे उनके साथ. कहते हमने भी देखी, देखा कि बात ख़त्म हो रही है, तो 5 पैसे का सिक्का रखो तो कहते बैठ जाओ, हमारी आँखों में कुछ सवाल है. अरे प्रेम चाह ने मुझसे कहा यार ये कौन सा, कहते यार इनसे वो बच्ची वाला सवाल कि बाबा जी ये बता कि साहब इल्म कौन होता है. बाबा जी ने कहा वो बंदा जो बिल्कुल पीछे बैठा होता है,
लेकिन जब उसकी किश्ती तूफान में आती है वो फ्रंट पे आता है एंड ही लीड फ्रॉम द फ्रंट, किश्ती को बाहर निकाल देता है, अपने से जाके गाड़ देता है, किसी रिवार्ड की तमन्ना हसरत कुछ भी नहीं होता। दैट इज साहब इल। सो लास्ट वर्ड आई वुड लाइक टू से इज यू नीड ए साहब इल जो सेल्फलेस हो, तो सेल्फलेस होके मामला को लेके आगे चले। रीजन अगर जो आपको मिले हो तो आपको मिले, कोई आपसे खींच के नहीं लेके जाए। सो वी नीड टू हैव दैट अप्रोच, यू नो, इनकलकेटेड, डेवलप अपने अंदर करने की इसकी ज़रूरत है। इसके लिए वी नीड टू, देखिए वो किसी तरीके से भी हो सकती है, लेक्चर दे के नहीं हो सकती, स्टूडेंट्स को जाके नहीं हो सकती। आप किसी स्टूडेंट को अगर कुछ, आज का स्टूडेंट कल के स्टूडेंट के मुकाबले में बहुत फ़र्क है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कॉमसर्ट्स में, नस्ट में, रिफा में, कैद अजीम यूनिवर्सिटी में, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मतलब बाहर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं जाके इस टॉपिक पर बात करता रहा हूँ। और जब मैंने गेन किया वो मैंने गेन क्योंकि वो माइंड बहुत जल्दी लेते हैं इस चीज़ से, बट दे आर नीड टू कंटिन्यूसली, यू नो, उनको करने की ज़रूरत है और फिर उस फोर्स को मल्टीप्लाई करने की। बेहतरीन बात, थैंक यू सो मच। मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ? जी प्लीज़ प्लीज़। हम इसके बाद आपके फ़ोन से आपको ये करना सिखाएंगे। आप मेरे पेज पे कुछ 7-8 लाख लोग हैं, उनसे रोज़ आके 15-10 मिनट बात कर लिया करें। 3 महीने में 4 महीने में आप डिफरेंस खुद ही देख लेंगे कि बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी हुई। ये मेरा पैशन है, ठीक है, ये मेरा पैशन।